अगर आप प्रभु की इस वाणी को नहीं मानेंगे तो बहुत धोखा हो जाएगा हमसे, बहुत गलती हो जाएगी। जैसे जिसको लगता हो कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये तो केवल विरक्तों के लिए भगवान कह रहे, ऐसा नहीं। देखो सबको लाभ इसमें है। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है पास होने के लिए, पूरा प्रयास करता है, किसी कारणों से खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है, न घर वालों को पता है। अब वो उसे बोलते हैं कि इतना रुपया लगाया, इतनी फीस भरी और तू फेल हो गया, मानसिक उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वो शास्त्र ज्ञान से रहित, विवेक रहित बालक विचार करता है घर वाले भी असंतुष्ट हैं और पास भी नहीं हो पाया, अब क्या करे। बोले मर जाना अच्छा है। देखो कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती, अमुक विद्यार्थी फेल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हुआ? ये विवेक ना होने के कारण। ठीक है, इस बार फेल हुए हैं तो अगली बार हम प्रयास करें जहां हमारी कमी रही। अगली बार भी फेल होते हैं तो केवल पढ़ करके विद्या या अध्ययन करके ही जीवन रखना होता है क्या? अगर विद्या नहीं है तो वो जीवन नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, जीवन नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। किसी कार्य में असफलता होने पर अगर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते थे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ी दुर्गति का कारण बन गया। हमें जो अवसर मिला था उन्नति का, हम अवनति में बदल दिया, बहुत बड़ी हमारी पराजय हो गई। इसलिए क्षमता आना अति आवश्यक है। हमें तो लगता है कि सबको सत्संग सुनना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही नहीं, समाज में जीने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। आसुरी बुद्धि पशुता का नाश करने के लिए सत्संग समर्थ है। एक किसान है, हजारों रुपये लगा करके, मेहनत करके, बहुत बड़ी मेहनत होती किसान की, बहुत मेहनत होती, बहुत बड़ा तपस्वी होता, वो जान नहीं पाता है अज्ञान की धरा में होने के कारण। जिस ठंडी में आप वस्त्र त्याग नहीं करना चाहते, पूरी रात रात पानी लगाता है गेहूं की खेती में, बड़ी मेहनत करता है। जब फसल काटने का समय आता है तो वर्षा और ओले हो जाते हैं, पूरी फसल नष्ट हो गई। कर्जा लेकर उसने खाद पानी लगाया था, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब फसल नष्ट हो गई, कर्जा कैसे देंगे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, इससे अच्छा आत्महत्या कर लो। कई ऐसी घटनाएं, हम जिस कार्य में चलते हैं असफलता मिलती है तो हमको एक ही उपाय दिखाई देता है कि हम अपने को नष्ट कर लें। भारी मूर्खता। ये जो प्रभु उपदेश कर रहे हैं सबके मंगल के लिए उपदेश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें व्यवहार की, हमारा ब्याह हुआ, हमारी भावना में जो पत्नी थी वैसी नहीं मिली, अब हम जो सफलता चाहते थे इस क्रिया में उस सफलता, अब द्वेष शुरू, विषमता आ गई, कैसे कैसे पापाचरण होने लगते हैं, कैसे कैसे पीछे कितनी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल, राक्षसी बुद्धि। ये केवल वैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके क्षमता में नहीं लाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैं चूक कर गया,
विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते हैं। फिर हार होती है तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है, अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। इसीलिए भगवान यहां के ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए कमर कस के खड़े हो, उत्साह संपन्न बनो, तुम्हें बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, नैवम पाप मवाप्स्यसि। बस तुम एक काम कर लो, जय पराजय में समान भाव लाओ, जो आपने माना हुआ लाभ है अगर हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। इस बार हमारा व्यापार सफल नहीं हुआ, इस बार अध्ययन हमारा ठीक नहीं हुआ, इस बार कृषि में हमें कमजोरी, अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाई, हमारी खेती कमजोर हो गई, कुछ भी कहीं भी कैसे भी निराश नहीं होना। रात है तो दिन आएगा, आप धैर्य रखिए, प्रकाश होगा, अंधकार में उबिए नहीं और प्रकाश में फूलिए नहीं, अभिमान मत कीजिए, अंधकार आने वाला है। इसलिए सम भगवान कह रहे समय कृत्वा, ये बहुत बड़ी विद्या है, छोटी छोटी सी अनुकूलता में बाधा पड़ने पर हम दुखी हो जाते हैं, हम विक्षिप्त होने लगते हैं, हम बहुत बड़े लाभ का त्याग कर देते। छोटी सी मनोअनुकूल वृत्ति के विरोध होने पर, जबकि वो महामंगल विधान है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इतने असंतुष्ट हो जाते हैं, इतने हार जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं कि परम लाभ का मार्ग ही छोड़ दिया। और ये जरूरी है, जरूरी है। जैसे ये उपदेश जब होते हैं तो प्रश्न भी होते हैं कि कब तक सहें, कब तक सहें, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आप सहो, सहत सहत बाढ़े भगति। इसका परिणाम क्या होगा? हम तो बड़ा दुख सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, विषमता सह रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? भगवान कह रहे बिल्कुल निश्चिंत रहो, महाभय से तुम्हारी रक्षा निश्चित यही कर लेगा। समता, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि संतुष्टा येन केन वा। ये कला सीखनी पड़ेगी, ये कला स्वीकृति करनी पड़ेगी, नहीं आप आगे परमार्थ में नहीं बढ़ पाएंगे। हर तरह से अपने को प्रसन्न रखने की चेष्टा रखो, विवेक के द्वारा, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के द्वारा प्रसन्न करने की नहीं, आंतरिक विवेक के द्वारा, बाह्य कोई साधन नहीं इसके लिए। कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया है तो आप प्रसन्न रह सकते हो।